रिज रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं हरी मिर्च का अचार बनाने वाली हूँ। हरी मिर्च का अचार बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत सिंपल है और इसे आसानी से हम बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने सामग्री यूज़ किया है जो इस प्रकार है। मेथी दाना है इसमें, हम साबुत यूज़ किए हैं, 1 चम्मच मेथी दाना है। और 1 चम्मच इसमें काला जीरा है, काला जीरा जिसे हम कलौंजी भी बोलते हैं, 1 चम्मच यूज़ किए हैं। 6 चम्मच विनेगर का यूज़ किए हैं और 1/4 इसमें हींग है और 25 ग्राम इसमें पीला वाला सरसों दाना है और 10 ग्राम इसमें सौंफ है साबुत, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक लेंगे और सरसों का तेल यूज़ किए हैं। ज़रूरत के हिसाब से हम सरसों तेल का यूज़ करेंगे। 250 ग्राम इसमें हम हरी मिर्च लिए हैं। ये मिर्च इसमें इसको अच्छे से धोकर इसको हम सुखा लिए हैं, कपड़े में अच्छे से पोंछ लेंगे, इसका पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए और डंठल निकाल लेंगे, इसमें डस्ट और पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और इसे हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग हम अपने अनुसार करेंगे, जो साइज चाहिए हम वही साइज में मिर्ची को काट लेंगे। अब हम कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें साबुत मसालों को थोड़ा इसका मॉइस्चर हटा लेंगे, थोड़ी देर के लिए इसे गरम करेंगे। सौंफ, मेथी दाना और कलौंजी इसमें हम डालकर थोड़ा देर चलाएंगे। इसमें सरसों का दाना डाल देंगे और गैस बंद कर देंगे, ज़्यादा नहीं भुनना है। और मसाले जब ठंडे हो जाए साबुत वाले, तब इससे हम इसका दरदरा पाउडर बना लेंगे। इस तरह से दरदरा पाउडर बना लिए। अब हम मिर्च में मसालों को डालेंगे। एक बाउल में हम मिर्च डालेंगे और इसमें नमक डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार लेंगे। हल्दी पाउडर डाल दिए, इसमें 1/4 इसमें हींग का यूज़ किए हैं और जो दरदरा पिसे हुए मसाले हैं उसे हम डाल देंगे। और इसमें 5 चम्मच इसमें हम सरसों का तेल यूज़ करेंगे। चाहे तो हम तेल को गरम करके ठंडा करके यूज़ करेंगे, मैंने इसमें कच्चा तेल ही डाला है। कच्चा तेल से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए हम कच्चा तेल का ही यूज़ किए हैं। ऐसे मिला लेंगे। उसके बाद इसमें हम विनेगर डालेंगे, विनेगर इसमें 6 चम्मच है। विनेगर से इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और अचार ख़राब भी नहीं होगा। विनेगर के जगह हम लेमन जूस का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे एक जार में भर लेंगे इस तरह से, और जो बचे हुए तेल हम डालेंगे, चाहे तो अवॉइड करेंगे, और इसे अच्छा से भर के रख लेंगे। और इसे जब खाना हो तो इसे हम साफ चम्मच से निकालेंगे। और मिर्च का अचार बन करके तैयार हो गया और बहुत तुरंत इसे हम खा सकते हैं और बहुत आसानी से बन जाता है। तो आज की ये मिर्च के अचार की रेसिपी आपको कैसी लगी? प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।